बाबा श्याम की सबसे बड़ी एकादशी, यानी जिस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन है उस दिन बाबा श्याम की सबसे बड़ी एकादशी है, यानी देव उठनी एकादशी है। उस दिन आप बाबा श्याम के नाम से अर्जी अरदास किस प्रकार से लगाएंगे, उस दिन आपको क्या करना चाहिए, अर्जी किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष अर्जियों को आपको बोलना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात रखने वाला हूँ। बाबा श्याम को समर्पित ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि बाबा श्याम की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं बाबा श्याम की सबसे बड़ी एकादशी, यानी जिस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन है उस दिन बाबा श्याम की सबसे बड़ी एकादशी है, यानी देव उठनी एकादशी है। तो श्याम भक्तों देव उठनी एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब 4 महीने के शयन के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि में पूर्ण जीवन की लहर दौड़ती है। श्याम भक्तों इस दिन खाटू श्याम जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि श्याम बाबा को कलयुग के साक्षात देवता माना जाता है, जो भक्तों की सच्ची भावनाओं और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उन्हें फल प्रदान करते हैं। श्याम भक्तों देव उठनी एकादशी पर श्याम बाबा के सामने अर्जी लगाने का एक खास तरीका है, जिसमें भक्त अपनी दिल की गहराइयों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव की सभी भावनाएं प्रेम, भक्ति, आस्था, उम्मीद और समर्पण शामिल होती है। श्याम भक्तों जिस दिन आप बाबा श्याम को अर्जी लगाए उस दिन आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों उस दिन आपको प्रातकालीन बेला में जब वातावरण शांत होता है और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही होती है, तब मनुष्य के हृदय में एक अद्भुत शांति का संचार होता है, यानी आपके हृदय में एक अद्भुत शांति का संचार होगा अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे। श्याम भक्तों ये समय होता है जब भक्त स्नान करके भगवान के सामने खड़ा होता है शुद्ध मन और शरीर के साथ। मन में एक ही भावना होती है कि आज श्याम बाबा से मन की बात कहनी है, अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखनी है। श्याम भक्तों भक्त का दिल धड़कता है, हाथ में एक छोटा सा कागज होता है जिस पर उसने अपनी पूरी भावना लिखी होती है। वह कागज केवल एक टुकड़ा नहीं होता बल्कि भक्त की उम्मीद, उसका विश्वास और उसकी प्रार्थना होती है। जब वो कागज लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति या चित्र के सामने आता है तो उसकी आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं, जैसे किसी बच्चे की आंख अपने पिता के सामने हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव होता है, आशा और भक्ति का मिला जुला रूप। चलिए श्याम भक्तों अब जानते हैं कि बाबा श्याम को आप अर्जी किस प्रकार से लगाएंगे। श्याम भक्तों जिस दिन आपको अर्जी लगानी हो, यानी जब देव उठनी एकादशी के दिन आप बाबा श्याम के नाम से अर्जी लगाएंगे, तो बाबा से आपको क्या क्या कहना है, बाबा से क्या क्या बोलना है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन भक्त एकाग्र होकर श्याम बाबा का ध्यान करते हुए भक्त उनके चरणों में वह अर्जी रखते हैं। मन ही मन कहता है, हे श्याम बाबा आप मेरे दुख मेरे परेशानी जानते हो, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हमेशा हैं, पर आज मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं, मेरी छोटी सी अर्जी है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह शब्द केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं होती श्याम भक्तों, बल्कि वो भावना का सागर होता है जिसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की लहरें उठती हैं। भक्त की आंखों में एक उम्मीद होती है कि श्याम बाबा उसकी अर्जी को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम को अपनी मनोकामना आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्याम भक्तों जब भक्त अपनी अर्जी लिखता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं लिखता बल्कि अपनी भावनाओं को भी शब्दों में ढालता है। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर कोई भक्त आर्थिक समस्या से जूझ रहा हो तो वो श्याम बाबा से कहता है, हे श्याम बाबा मेरी स्थिति आप जानते हो, मुझे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का सामर्थ्य दीजिए। कि कोई भक्त अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहा हो तो वो कह सकता है, आपकी कृपा से ही मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, कृपया हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे। श्याम भक्तों हर अर्जी के पीछे एक गहरा दर्द होता है, एक आशा होती है कि श्याम बाबा उस दर्द को दूर करेंगे। भक्त के लिए श्याम बाबा सिर्फ एक देवता नहीं होते,
वे उनके अपने होते हैं जिनसे वह खुलकर बातें कर सकता है, अपने दिल की बात कह सकता है। त्र्यंबक, तो जब आप बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम की आरती करते हैं, उस समय आपके भाव किस प्रकार से रहने चाहिए? त्र्यंबक, तो जब भक्त श्याम बाबा के सामने दीपक और धूपबत्ती जलाता है तो उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू होते हैं। जब वो श्याम बाबा की आरती करता है तो हर शब्द में उसके मन की पीड़ा और समर्पण झलकता है। श्याम भक्तों, कई भक्तों ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम को भजनों के द्वारा रिझाते हैं, भजन गाकर रिझाते हैं। यानी श्याम बाबा को जो आप भजन सुनाएंगे, बाबा श्याम का पसंदीदा भजन है श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, यानी इस भजन के द्वारा बाबा श्याम को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे आरती के शब्दों में वो अपनी भावनाओं को ढूंढता है, जैसे श्याम बाबा उसकी बंसी की आवाज सुन ले और उसकी प्रार्थना को सुन ले। श्याम भक्तों, आरती के समय वो खुद को श्याम बाबा के सामने पूरी तरह से समर्पित कर देता है। दीपक की लो उसकी आशा का प्रतीक होती है और वो आशा करता है कि जैसे दीपक की रोशनी अंधेरे को मिटाती है, वैसे ही श्याम बाबा उसकी समस्याओं को हल कर देंगे, उसकी सारी समस्याओं को मिटा देंगे। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का जन्मदिन होता है, उस दिन हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा श्याम का जन्मदिन मनाते हैं। और जब बाबा श्याम का जन्मदिन मनाते हैं तो बाबा श्याम को खुश भी करते हैं और साथ ही साथ हम अपनी मन के भाव भी बाबा के समक्ष रखते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम तो आप हर दिन जपते हैं, हर दिन लेते हैं। श्याम भक्तों, आरती के बाद जब भक्त माला लेकर श्याम बाबा का नाम जपता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, तो वो हर बार यह महसूस करता है कि जैसे जैसे वो नाम जप रहा है वैसे वैसे उसकी परेशानियां हल्की होती चली जाती हैं। श्याम भक्तों, नाम जप करते हुए उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, जैसे उसके सारे दुख श्याम बाबा के चरणों में रख दिए गए हों और अब वो पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा हो। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी होती है कि वो हर माला की मोती के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर होता हुआ महसूस करता है। यह एक आत्मिक अनुभव होता है जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। भक्त महसूस करता है कि अब उसकी अर्जी स्वीकार हो गई है और श्याम बाबा उसकी बातों को सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, जब भक्त बाबा श्याम को भोग अर्पित करता है तो उसमें उसकी गहरी भक्ति और श्रद्धा छिपी होती है। तुलसी के पत्ते, खीर, पूरी और मिष्ठान के रूप में वह श्याम बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। भक्त के लिए भोग सिर्फ भोजन नहीं बल्कि उसकी पूरी आस्था का प्रतीक होता है। वह प्रार्थना करता है, हे श्याम बाबा, इस छोटे से भोग को स्वीकार करें और मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें। श्याम भक्तों, भोग अर्पण करने के बाद भक्त को ये महसूस होता है कि श्याम बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वो महसूस करता है कि श्याम बाबा की कृपा से उसके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाए, श्याम को अपनी दिल की बात इस दिन आप जरूर बोले। श्याम भक्तों, देव उठनी एकादशी निर्जला एकादशी की तरह ही साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इस एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप लोग बाबा श्याम से इस प्रकार अर्जी अरदास जरूर लगाए, बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।